पठानकोट के हल्का भोआ में आज अलग अलग चार पांच पंचायतें जिनमें कीड़ी खुर्द, मंगियाल, मैरा क्लान, कतली, चक्राल, मलपुर व शरीफ चक ने माइनिंग माफिया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए क्रशर इंडस्ट्री पर रावी दरिया में माइनिंग कर रहे जेसीबी मशीनें रोककर प्रशासन, माइनिंग विभाग व हलका विधायक व पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। जानकारी के अनुसार इस एरिया में कम से कम 50 क्रशर हैं जो कि रावी दरिया के किनारे हैं और ये गांव भी रावी दरिया के किनारे पर बसे हैं। पिछले कई सालों से इस एरिया में हो रही अवैध माइनिंग के कारण इन लोगों ने 50-50 फुट के करीब माइनिंग कर खड्डे ही खड्डे डाल दिए हैं, जिससे पानी का लेवल नीचे चला गया है और इन गांवों को यहां खेती करने के लिए पानी के लाले पड़े हुए हैं। वहीं अब पानी पीने वाले के भी लाले पड़ जाएंगे। यहाँ तक इन गांव को आपस में जोड़ने वाली सड़कें भी पूरी तरह टूट चुकी हैं, पर बार बार प्रशासन के ध्यान में लाने के बाद भी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब लोगों ने सोचा था कि कैप्टन सरकार आ गई है, शायद इस समस्या से निजात दिलाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा आगे से भी ज़्यादा अवैध माइनिंग इस एरिया में होने लगी है, जिसके चलते आज इन गांव के लोगों ने अपने सरपंचों, पंचों को साथ लेकर क्रशर इंडस्ट्री का घेराव करते हुए क्रशर इंडस्ट्री की जेसीबी मशीनें जो माइनिंग कर रही थी को रोककर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि जब पंजाब में माइनिंग बिल्कुल बंद है तो फिर ये लोग अवैध माइनिंग कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब मिलीभगत से हो रहा है, जिसका खामियाजा हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि हमने कई बार अपना दुखड़ा अपने हलका नेताओं, पुलिस प्रशासन व माइनिंग विभाग के आगे रोया है, पर इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आज उन्हें मजबूर हो ये कदम उठाना पड़ा है। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन उन्हें नेशनल हाईवे जाम करना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। ये माइनिंग दे होने नाल साडा इस तरह लीची ग्रोवर जेड़ा सरकार ने बनाया थी पठानकोट लीची जोन, उसनों 50% लीची सारी तबाह हो गई है, क्योंकि अंडरग्राउंड पानी गया सी और यही साडा सारा फस गया सी। मेरा ख्याल घट्टो घट भी 100 करोड़ रुपए का लोगों का जी इस साल के ही लीची का नुकसान हो गया। माइनिंग करके असी माइनिंग वास्ते अपील भी की है, दरखास्त दी हैं, पर कोई समझ नहीं। असी यो ही नहीं, सेंटर ने भी अपील की है कि देखो इतने के माइनिंग को इंडिपेंडेंट अदारा लियाओ, कि जो माइनिंग नहीं तो कितने इन्ना मटीरियल गया, जो माइनिंग नहीं हो रही असं पैसे देने कि हवाई तुम है ना लाओ तो गुड्डी तो लाओ तुम तो किन्ने हजार टन माल कितने गया, फिर कौन जख्मवार जोर फिर करके सलाह दी जाए। साढ़े लुट हो रही है और असं घरों बेघर हो रहे हैं। मेरा किराए ऐसा पिंड लोगों को पीने को पानी नहीं, जाकर देखो तुम तुपसरी में लोग दरियाए मर रहे हैं, असं दरिया चलते हुए असं सहन असं अठासी फट सह असं 95 फट सह अभी कत्ल लाई सही है, पर यह जुल्म जरा है यह सारे को उस ही वह रहा। असं इस बहुत बर्दाश्त किया है, असं नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो नहीं होगा असं मजबूर होवे जाकर सड़क धरना। देखो नहीं हो रही कि हजारा ट्रक निकलते हैं, क्या नहीं देखते, ओवरलोडिंग हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग थले आकर मर रहे हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। असी मतलब इतों अं बहुत तंग आए थे माइनिंग तो, मतलब जी कटी कुटी आदि सारिया भी मतलब अं बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष कर रहे हैं कि इस तरह भी बंद होने चाहिए सारा काम है, मतलब अभी मतलब हर के मतलब बच्चा बच्चा जो तंग है इतों। हाँ जी सब अं कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी सारे अभी पिछले गड्डिया भी बंद करा की भी MLA साहब न भी बंद करो फिर दिखाया आप ही अं देखा जाए तो इस एरिया का जरा MLA है एक तो सरकार का ही नुमाइंदा है, दूसरा माइनिंग कमेटी का मैंबर भी है, कद उन्होंने भी नहीं इस गल वाल ध्यान दिता गलबात जी। सब टीवियां
क्रशरां ते लोकां वल्लों प्रोटेस्ट कीता गया सी कि उत्थे अवैध माइनिंग जिहड़ी हुंदी है उहदे बारे की कहना। देखो सर, जो प्रोटेस्ट साडे कोल खबर आई सी ना, असीं उस ते एक्शन लिया सी। एक्शन लैण दे बाद असीं साडे दफ्तरी टीम ते पुलिस वाले ने सारा उस एरिए की कीति ते मौके ते कोई भी इहो जिहा बंदा नहीं मिले गैरकानूनी काम माइनिंग करता हो। लेकिन जो लोगों की प्रोटेस्ट है उन्होंने देखते हुए जो आले दुआले लोग जी जगह उन्होंने चेक किया जा रहा है, जे कि कोई माइनिंग की ताजी माइनिंग की अवैध पाई जाती है तो रूल अनुसार उन्होंने वो कार्रवाई साड़ी चल रही केस प्रॉपर्टी बन जाती। हुण असीं इस बारे पुलिस नूं इन्वेस्टिगेशन वास्ते लिखिया वी जे कोई इहो जिहा बंदा इहदी इन्वेस्टिगेशन कीती जावे। उस उत्ते पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, जो कोई उनके बंदा फड़ता असीं घर ते कार्रवाई कर दी। सर, जिस तरह मौके से तुहाडा फोन भी मिला रहे हैं, होर भी माइनिंग अफसर से फोन मिला रहे हैं और नहीं मिलता सीगा, कोई गल नहीं। देखो जी, मेरा फोन 24 घंटे खुला रहा है, कोई एह जी वो हो सकता कि मैं कि इधर उधर मतलब एह जगह खड़ा होव कि जिथे मतलब नहीं हो सकता। कई बार सा हाई कोर्ट चाहे कई बार असि एह जगह पहुंचे होंगे जिथे नॉट रीचेबल आ जाता है। कंवल रंधावा, ब्यूरो चीफ, पठानकोट, दिव्य पंजाब टीवी।